हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, वो हम पढ़ लेते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/12/2019। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एग्जाम फीस ऑफ ऑनलाइन इन द बैंक इज 10 January 2020 एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन इज 13 January 2020। दैट मीन्स आपके पास 13 January 2020 तक का टाइम है एप्लीकेशन भरने का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन के पोस्ट के लिए। और कुछ स्पेशल नोटिफिकेशंस है, कुछ और इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन। द एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट UPPSC.UP.NIC.IN और पूरी जानकारी के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, यूज़र इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट विल बी डिस्प्लेड। और हम मेन कंटेंट की बात करते हैं सिर्फ, तो जैसे कि आगे बढ़ लेते हैं जहाँ पे मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। इफ़ अ कैंडिडेट कम्स टू नो अबाउट एनी एरर इन सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट इन एग्जाम नेम एंड टाइप एंड रिक्रूटमेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आधार कार्ड नंबर एंड सच केसेस वर प्रिस्क्राइब फी फॉर मॉडिफाइड कैटेगरी इज़ हायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो जाती है आधार कार्ड ईमेल एड्रेस नेम इन सब चीज़ों में कोई ना कोई आप गलती कर देते हैं तो उसकी मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी अलग होगी, बाकी से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके बाद नेचर ऑफ पोस्ट जो है, पे स्केल है जो 9300 से लेकर 34800 और ग्रेड पे 4800। रिजर्वेशन की बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस है फॉर एग्जांपल इन अकॉर्डेंस सच एप्लीकेंट विल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीट ऑफ अथॉरिटी एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स। एलिजिबिलिटी इन द केस ऑफ एमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए, ऐसे एप्लीकेशन के लिए आपको कंपिटेंट अथॉरिटी आर्मी नेवी या एयरफोर्स की तरफ से जो है अपने सर्टिफिकेट्स लाने होंगे। और कई इंफॉर्मेशंस हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, अ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट थियर टू देयर टू। और कुछ है जैसे कि प्रेफरेंशियल्स, अदर थिंग्स इक्वल सच कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस हु हैज़ served minimum period of 2 years in territorial army or has obtained B certificate of NCC, और age limit जो है 21 years और 40 years के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद important examination के बारे में details है यहाँ पर लिखी हुई हैं, overview दे देते हैं कि only such candidates who will admitted to main written examination declared successfully in preliminary examination for which successful candidates will have to fulfill up application for according to instructions। और इसके बाद लिखा हुआ है other backward class of candidates of other state is application fees जो है other backward class और candidate of other state के लिए 160 है और ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है और ₹185 है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कैंडिडेट्स दैट फीस इज़ 70। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ₹70 है और जो है ₹25 है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस और टोटल हो गई 95। उसी तरीके से जनरल ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास और उसके लिए था
जो हम पढ़ सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 160 प्लस ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस थी, और शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के लिए 70 प्लस ₹25 प्रोसेसिंग फीस। इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, हम आगे चलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जैसे कि एग्ज़ाम के कोई सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, जहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर या आपकी कोई इंफॉर्मेशन में गलती होती है तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, और कई इंफॉर्मेशन दी हुई है, और जैसे डिक्लेरेशन सेगमेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आपकी फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका सैम्पल ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में होने चाहिए, ये उनका फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट को आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो ये आपको उसके साथ ही भेजना होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको इनको प्रिंटेबल फॉर्म में अपने पास रखना होगा, तो आपको इन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिंट करवाना होगा। आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आप अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सबको दिखा रहा हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमारे दिए गए जो आपको हेल्पलाइन प्रोवाइड करी जाएगी, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज़ चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन क्लासरूम हमारी जो होती है क्लासेस, उनके बुकिंग करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट www.kushmanda.com पर जाकर कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।